भी नहीं है, सिर्फ एक योगी उठेगा, ऐसी 10 धरतियों को उंगली पर नचा देगा। बहुत बड़ी बात की आप। अच्छा गुरु जी, एक सवाल और, मतलब गहरा सवाल है कि जो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देख कि भाई मैं तेरे रथ चला दूंगा, तू अपना मेरे कहने के अनुसार युद्ध करता रहे, वहां पे अर्जुन को हम सिर्फ निमित्त मात्र लेके चल रहे हैं, बाकी सबके रथ तो हमारे भगवान ही चलाते हैं। देखिए, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये अर्जुन के लिए नहीं कहा भगवान ने, ये भगवान ने ईश्वरी सत्ता और मनुष्यता को मानने वाला चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, उसके लिए भी कहा। भगवान कहते तू मुझे नहीं मानता, कोई दिक्कत नहीं, तू नहीं मानता तब भी मानता ही है। सही बात है। तेरा नहीं मानना भी मानना है। जी जी। अगर तू मुझे गाली देता तब भी याद करता है, मतलब कहीं ना कहीं मैं हूँ, मैं नहीं मानता, यानी मैं हूँ। तो भगवान ने अर्जुन से जो कहा है वो प्रत्येक व्यक्ति से कहा है। भगवान द्वासपर्णा सहजा सकता है, एक ही हृदय रूपी वृक्ष में दो पक्षी है, जीवात्मा और परमात्मा, दोनों में संवाद है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तस्मात उत्तिष्ठ यशोज्ज्वलस्व जित्वा शत्रून भुंज राज्यम समृद्धम मैं वेते निहता पूर्वमेव निमित्र मात्रम भव्य सब्य साचे। हे अर्जुन, तू उठ, अपनी कायरतापूर्ण स्थिति से उठ, जो मनुष्य कायरता को प्राप्त हुए हैं, किन कर्तव्य विमूढ़ता को प्राप्त हुए, पराधीनता को प्राप्त हुए, उनसे कह रहे कि तू उठ। यशो लवस्व तस्मात उत्तिष्ठ यशो लवस्व जित्वा शत्रुन, संपूर्ण शत्रुओं को, अपने अंदर के शत्रु और अपने बाहर के शत्रु को जीत, युद्ध कर, भुंज राज्यम समृद्धम, इस समृद्ध राज्य का उपभोग कर, सत्यता पूर्वक इसका उपभोग कर, सत्यता पूर्वक मैं वेते मेरे द्वारा पूर्व में पहले ही ये सब मारे गए हैं। अच्छा, ये सब मैंने पहले से पहले मार दिए, तुम कारण नहीं भी मानेगा तो भी मैं इन्हें मार दूंगा। निमित्त मात्र